हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लगेज बैग यानी कि ट्रॉली बैग घर में ही बहुत ही आसान तरीके से साफ करना बताती हूँ। तो ये है लगेज, देखिए, जिसको हम जब बाहर जाते हैं तो इसमें कपड़े और सामान रख के ले जाते हैं ना, ट्रॉली बैग। तो ये वो है और ये बहुत गंदा हो गया, आप देख सकते हैं ये कितना गंदा है। तो सबसे पहले तो हम इस बैग को पूरा खाली कर लेंगे और इसमें जितनी भी चेन है सभी में हम चेक कर लेंगे कि कोई सामान तो नहीं है, और जो भी सामान है पहले हम उसको निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है इसको घर में धुलना और बहुत ही जल्दी मैं इसको धुल के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इसमें जो भी सामान है वो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको हम पूरा खाली कर लेते हैं और एक ब्रश लेंगे, पहले हम इसको पूरा झाड़ देंगे ब्रश की हेल्प से। इसके पहिए में जो भी धूल मिट्टी होगी वो निकल जाएगी। और हमें चाहिए पानी और ये स्पंज चाहिए, या फिर इस तरह से जो स्क्रबर आता है वो ले लीजिए, नहीं तो आप कोई भी फॉर्म ले लीजिए। बस हमें सॉफ्ट चीर लेना है कि ब्रश में हमारे कोई भी स्पॉट्स वगैरह ना आए। अगर हम टाइट चीर लेंगे धुलने के लिए तो हमारे बैग ख़राब भी हो सकता है और जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे। और यहाँ पे हमने लिया सर्फ एक्सल या कोई भी आप डिटर्जेंट पाउडर ले लीजिए, नहीं तो आप इजी ले लीजिए, कम्फर्ट ले लीजिए। उससे क्या होगा कि जो बैग होगा उसकी जो चमक जाएगी नहीं और उसकी चमक बरकरार रहेगी। तो मैंने यहाँ पे कंफर्ट लिया है एंड मैंने लिया है यहाँ पर सर्फ एक्सल। दोनों को मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी और स्पंज से मैं साफ़ करूँगी। मैंने ग्रीन वाला स्क्रबर भी यूज़ नहीं किया, मैंने स्पंज यूज़ किया है इसके लिए, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, इससे बहुत जल्दी इसकी धूल मिट्टी निकल जाएगी और बैग भी हमारा नए के नए जैसा रहेगा। अब हम धीरे धीरे करके इसको पूरा साफ़ कर लेंगे इस तरह से, देखिए। और अभी हम लोग घूमने गए थे तब ये बैग लगेज लेके गए थे और बहुत गंदा हो गया था। और जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं तो जो भी हम बैग ले जाते हैं, हैंड बैग हुआ या फिर लगेज बैग हुआ, कोई भी चीज़ हुई, हम सब उसको धुल कर ही रखते, ऐसे नहीं रखते हैं। तो देखिए, पहले हम पूरे इसको अच्छे से पहले पूरा गीला कर लेंगे, उसके बाद पूरे बैग पर हम अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सर्फ एक्सल पाउडर भी डाल दिया है, अब बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगा ये। इसको आपको बाहर देने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में इसको बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। इसको साफ़ करना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी चुटकियों में ये साफ़ हो जाता है। और ये पूरा साफ़ हो गया, आप देख सकते हैं मैंने अंदर भी इसके पूरा स्पंज से साफ़ कर दिया था और पूरा अच्छे से ये साफ़ हो चुका है। और इसका जो अंदर का कपड़ा लगा हुआ, जो फैब्रिक लगा हुआ है, वो ख़राब नहीं होगा। और इस तरह के जो भी बैग आते हैं उसके अंदर जो भी फैब्रिक होता है वो इस तरह का फैब्रिक होता है, टेरिकॉट जैसा, तो वो ख़राब नहीं होता। अगर हम उसको धुलते हैं तब भी वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब भी हमें ये लगेज ख़रीदते हैं तो एक बार इसके जो भी जो इसके साथ में बुकलेट आती है वो हमें देख लेनी चाहिए कि इसमें कैसा क्या लिखा हुआ है और ये धुलने वाला है या नहीं धुलने वाला, तभी हम बैग को घर में धुल सकते हैं। एक बार आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, फिर आप इसको धुलिए। और इसके अंदर का जो फैब्रिक है वो धुलने लायक है, आराम से बहुत जल्दी साफ़ हो गया। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये साफ़ हो गया है, पूरा बैग हमारा साफ़ हो गया है और पानी से भी साफ़ कर दिया है मैंने।
तो ट्रॉली बैग हो गई है पूरी तरह से साफ, आप देख सकते हैं। और इसको हम धूप में रख देंगे तो इसका पानी बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। अभी हम इसको ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि अभी धूप तो है नहीं, जब धूप निकलेगी तो इसको हम धूप में रख देंगे तो 1 या 2 दिन में ये बहुत ही अच्छे से सूख जाएगा। धूप तेज होगी तो 1 ही दिन में सूख जाएगा, धूप हल्की होगी तो ये 2 दिन में सूख जाएगा। और इसका पानी हम पूरा निकाल देंगे क्योंकि इसकी जेब है ना, तो उसमें पानी भर जाएगा। तो इसका कपड़ा भी ऐसा है कि इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, तो क्योंकि कई बार होता है ना, अगर हम बाहर जाते हैं तो बरसात होती है और हमारा लगेज गीला हो जाता है, उसके अंदर जो भी सामान होता है वो भी गीला हो जाता है। लेकिन ये वाला जो है ये एरिस्टोकैट का है, लगेज काफ़ी अच्छा है ये, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो और इसके फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, तो इसके अंदर पानी भरा हुआ है वो भी हम निकाल देते हैं और फिर इसको धूप में रख देते हैं सूखने के लिए। और जब ये सूख जाएगा फिर इसको हम पैक करके रख देंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।